ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा लिया है। इसमें मैं 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल ऐड करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके पानी की मदद से एक डो बना लेंगे, जिसे हम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे। फिलिंग बनाने के लिए मैं जिन चीज़ों को यूज़ करने वाली हूँ वो है 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, 2 टेबलस्पून ग्रेटेड कोकोनट, यहाँ पे मैंने 1 कप फुल क्रीम मिल्क लिया है, यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून ग्रीन कार्डमम यानी कि हरी इलायची का पाउडर लिया है, ये 4 टीस्पून शुगर है, यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून क्रीम लिया है। फ्रेंड्स, अब हम इस शक्कर को इसी तरीके से थोड़ा सा कैरमल की तरह पहले पका लेंगे, फिर बाकी चीज़ों को ऐड करेंगे। बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से पका लेंगे। फ्रेंड्स, ये परफेक्ट टाइमिंग है जब मैं इसमें 1 टीस्पून देसी घी ऐड करूं। अब हम इस तरह से इसे चला चला के बिल्कुल ही ड्राई कर देंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसमें 2 टीस्पून शक्कर ऐड कर लेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अराउंड 6 to 8 टेबलस्पून रिफाइन ऑयल डाला है। अब इसमें मैं सभी को फ्राई करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आप इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करें। डीप फ्राई।